गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गेमिंग एंडोस के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ बस सिमुलेटर अल्टीमेट। लास्ट वीडियो में आप लोगों को याद होगा कि मैं भूटान की ट्रिप कर रहा था और बीच में मैंने ट्रिप छोड़ दी थी, और मैंने वीडियो में उसमें बताया था कि जो मेरी अधूरी ट्रिप थी उसको मैं आज कम्प्लीट करूँगा। ठीक है, तो जो मेरी अधूरी ट्रिप थी उसको मैं आज पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो गेम के बारे में तो आप भली भांति जानते हैं, गेम बहुत ही अमेजिंग गेम है। ठीक है, और इस गेम में जैसे कि मैंने भूटान की ट्रिप मतलब जो रोड मैप चूज़ किया हुआ है, जब तक मैं उसको कंप्लीट नहीं करूँगा मैं कोई भी दूसरी लोकेशन चूज़ नहीं कर सकता। आप जानते हैं इस चीज़ को, ना कोई व्हीकल चूज कर सकता, कोई भी बस चूज़ नहीं कर सकता। मतलब कि मैंने भूटान ट्रिप के लिए बस चूज़ की हुई है, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो नॉर्मल बस चूज़ की हुई है, तो यही बस ही मैं तब तक यूज़ करूँ जब तक ये ट्रिप या जब तक ये रूट कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो चलिए गाइस गेम को खेलना फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो अभी आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, यू हैव एन अनफिनिश्ड रूट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। इसमें मुझसे कहना चाहता है कि जो आपने रूट अनफिनिश्ड मतलब कि अधूरा छोड़ दिया था, क्या उसको आप पूरा करना चाहते हो। अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो वो रूट कैंसिल हो जाएगा, अगर मैंने कंटिन्यू कर दिया तो भूटान की जो मेरी रोड ट्रिप थी उसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैंसिल किस लिए करना, कंटिन्यू करना, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया है, ओके देखो फाइनली मैंने जो पहली वाली वीडियो थी भूटान ट्रिप की उसमें मैंने इसी लोकेशन पे अपनी बस को छोड़ा था, मतलब कि ड्रॉप किया था या यहाँ पे रोका था मैंने। ठीक है, तो यहीं से अपनी भूटान ट्रिप मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। भूटान ट्रिप में पूरे जो रोड मैप बनाया गया था उसमें सिर्फ चार ट्रिप दी गई है, सिर्फ चार ट्रिप ही मैं कर सकता हूँ, मतलब पूरे मैप में सिर्फ चार जगह मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो जो लोकेशन है वो भी ज़्यादा किलोमीटर की नहीं है, बहुत कम किलोमीटर की है। तो चलिए गाइस फटाफट से सबसे पहले स्टार्ट इंजन, ठीक है, उसके बाद ओपन राइट मिरर, इंजन मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं लाइट भी ऑन कर देता हूँ बिकॉज रात का समय है। मल्टीमीडिया और एसी भी ऑन कर देता हूँ, और उसके साथ मैं यहाँ पे मिरर भी ऑन कर देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होता है पीछे देखने के लिए। मिरर इज ऑन, नाउ आई कैन कंटिन्यू दिस भूटान ट्रिप अगेन एंड कंटिन्यू, आई कंटिन्यू दिस अनफिनिश्ड रूट। तो चलो, तो अभी यहाँ पे अपनी यात्रा प्रस्थान कर चुकी है, अपनी यात्रा के लिए निकल चुका हूँ। तो मुझे राइट जाना तो राइट इंडिकेटर दे देता हूँ। इंटीरियर व्यू पे आ गया हूँ मैं, टर्न राइट, सामने बोर्ड में भी देख सकते हैं। तो अपनी मेन रोड पे मैं आ गया हूँ दोबारा से। तो चलो, कैटरिंग मैंने यहाँ पे ऑन कर दी है, कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड,
आप जितनी अच्छी सर्विस देंगे आपकी जो बस की जो आपकी कंपनी है उसके स्टार रेटिंग भी बढ़ती जाएगी। Continue straight. अभी अपने को बिल्कुल सीधा जाना, कहीं भी नहीं मुड़ना है। और दोबारा से एक पतली रोड आ गई है, टर्न राइट, तो अपनी लोकेशन जो अपना ट्रिप है जो अपना फुल स्टॉप है वो अभी आ जाएगा। राइट मुड़ना है मुझे, ये देखो ये है अपना आउटर व्यू। इसमें व्यू से मैं चारों तरफ से नहीं देख सकता, लेकिन अगर मैं 360 डिग्री में बस को देखना चाहूँ मैं देख सकता हूँ। लेट मी शो यू, दिस इंटरव्यू, ये ऊपर का व्यू है, ये नीचे का है, ये फ्रंट व्यू है, एंड दिस इज अपर व्यू, ये ड्रोन व्यू है, एंड दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री व्यू। तो अब इस व्यू से मैं पूरी इस बस को देख सकता हूँ। ये देखो ये है हमारी बस जो कि नॉर्मल बस है, बट फिर भी मैंने इस बस को अपग्रेड करके इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने अपग्रेड की। इसका कलर भी मैंने चेंज किया, इसके टायर, इसके हैंडलिंग वेडलिंग, इसके अंदर फ्यूल, सब कुछ एवरीथिंग मैंने इसके अंदर चेंज किया है। ठीक है, तो चलो अभी अंदर चलते हैं, बिकॉज अभी रिलोकेशन के लिए निकलना होगा ना। तो इसी बस स्टॉप से मुझे दूसरी लोकेशन के लिए निकलना होगा। तो मैंने बस को यहाँ पे अच्छे तरीके से पार्क कर दिया है। अब यात्री वन बाय वन करके उतरेंगे और अपना सामान पिक करेंगे। डोंट फॉरगेट योर लगेज, और जो भी आपका सामान है, बैग्स, आपका लैपटॉप बैग, आपका फ़ोन, आपका वॉलेट, आपका पर्स है, जो भी चीज़ें, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भूलने की चीज़ें होती हैं, उसका आपको खुद से ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने बता रहा था कि भूटान की ट्रिप अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी एक आखिरी लोकेशन रहेगी, उसके बाद जो भूटान के जो रोड ट्रिप थी वो मेरे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगले रूट में मैं कोशिश करूँगा कि पटना टू दिल्ली के बीच में एक रोड ट्रिप की जाए, वो भी बस में, बहुत ही लग्जरी बस होगी, वो दूसरी बस होगी, मर्सिडीज बस हो सकती है, स्कानिया नाम की बस भी हो सकती है, और मार्को पोलो की बस भी हो सकती है। ठीक है,
मैं उस बस को अच्छी तरह से अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा। और आप इस गेम के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको ये जो भूटान की ट्रिप है आपको कैसी लगी। बस नॉर्मल है लेकिन यात्रा नॉर्मल नहीं होती है। कोई भी बस है, कोई भी उसमें हर तरीके के आदमी होते हैं, अमीर गरीब कोई कुछ नहीं देखा जाता, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बस की जो ट्रिप होती है, जो बस की ट्रिप होती है वो सबसे ईजी और बहुत ही सस्ती ट्रिप होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप द्वारका से कहीं भी दिल्ली में जाओगे 10, 15, 20 इससे ऊपर किराया नहीं होता है। जो क्लस्टर बस और अपने DTC बस देखे, जो लो फ्लोर बसें चलती हैं, तो उनमें 10, 15, 20, 5 इससे ज़्यादा किराया नहीं है। लेकिन अगर आप AC में भी ट्रैवल करते हो तो भी इतना किराया नहीं है, ठीक है। तो आप अपना एक दिन का पास बनवा सकते हो। उस पास का क्या होगा, 50 रुपये का वो पास बनता है, उस पास से आप पूरे दिल्ली घूम सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर जो कंडक्टर होता है वो डेट लिख देता है, ठीक है, और उसको कट कर देता है जिससे कि पहचान हो जाए कि उसके ऊपर लिख देता है कि उसके बस पास ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है, उस टिकट को। लेकिन उस बस को आप क्लस्टर बस में यूज़ नहीं कर सकते। उस बस को अगर आप मान लीजिए आपने DTC बस से ली है तो आप उसी बस में उसको यूज़ करोगे। आपने क्लस्टर बस में ली है तो क्लस्टर में यूज़ करोगे। AC का जो पास होता है उसका भी पास बनता है, लेकिन उसका पास थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आपको सबसे सही और सबसे सुरक्षित चीज़ चाहिए तो वो बस ही होती है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में अभी इस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, बारिश वहाँ पे अभी इस मतलब अभी लास्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, लेकिन इससे पहले कोई बारिश हुई नहीं थी, ठीक है। तो चलो अपनी भूटान की ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। तो ये मेरी आखिरी टिप है पोदरंग के लिए। वैंगडू पोदरंग इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो 34 पैसेंजर इस बस के अंदर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अभी पैसेंजर लिस्ट हो गई है डन पूरी तरीके से, ठीक है। तीनों के तीनों डोर मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं। नाउ टाइम टू स्टार्ट द इंजन गोइंग बैक। Turn switch off the light. Now continue left turn. My bus color is blue and white. You can see Star Bus Service is the name of my bus. आपने देखा हो कि जो बस होती है ना, जो बहुत लोग अपनी खुद की प्राइवेट बस चलाते हैं, या गवर्नमेंट बस भी होती है जो सरकार जो चलाती है, जैसे कि अपने दिल्ली में जो टाटा की जो मतलब इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं वो सरकार चलाती है, वो मतलब दिल्ली सरकार ने चलाई है। तो हर जगह पे जो सरकार होती है वही बस चलाती है, लेकिन प्राइवेट बसें भी होती हैं, ठीक है। तो चलो अपनी इस आखिरी पोदरंग की ट्रिप को भी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। Drive carefully. Going straight. Right hand side में खेत आ गया है जहाँ पे एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। ये देखो कितना प्यारा रूट है, और इस रूट पे अगर बारिश आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बारिश अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अच्छी उनके लिए होती है जो बारिश पे एंजॉय करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई मतलब कोई यात्रा कर रहा है उसके लिए मुसीबत भी बन जाती है बारिश। वो रात के समय बनती है क्योंकि बारिश के समय टेम्परेचर बाहर का कम हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर एक जैसा रहे उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलो दोबारा से पतला रोड आ गया है। अंदर आ गया हूं मैं।
और गाइस आप सभी लोगों को गेमिंग एंडोज की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आपके घर में सब कुछ मंगल हो, माता रानी का आशीर्वाद आप सब लोगों के लिए बना रहे। टर्न राइट, कोई भी काम करिए आप ईश्वर का पहले लीजिए, क्योंकि ईश्वर वो भी वेट करते हैं कि मेरा भक्त कब मेरा नाम लेगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी काम शुभ काम करते हैं तो हम ईश्वर का नाम अवश्य लेते हैं, वो सबसे ज़रूरी होता है। अब कोई भी गाड़ी देख लो आप, उसमें गाड़ी के अंदर आपको कोई किसी भी जो भी किसी भी धर्म का क्यों ना हो भगवान की फ़ोटो ज़रूर मिलती है। Turn right. You can see on board, green board. Turn right. Turn left. कैटरिंग मैंने दोबारा से ऑन कर दी है। जो कुछ भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं, जिसको चाय पीनी पानी पीना कुछ भी पीना है यू कैन गेट इट। टर्न लेफ्ट। ये देखिए, बाय फ्यूल द कंपनी हैज सेंट अ सर्विस व्हीकल टू योर लोकेशन, योर फ्यूल टैंक विल बी फिल्ड। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ। तो अभी मेरी जो बस है ना, उसका फ्यूल ख़त्म होने को या फिर ख़त्म होने वाला है। तो जो मेरी कंपनी जो स्टार बस सर्विस नाम की कंपनी है, वो ये कह रही है कि आप इसमें फ्यूल डलवा लीजिए। क्योंकि जो कंपनी होती है, क्योंकि बस जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर की बस नहीं होती है, जिसका जो मालिक होता है उसकी बस होती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फ्यूल को कंप्लीट अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूँ ताकि यात्रा में कोई भी अड़चन ना आए। ये देखिए गाइस, पैसेंजर्स घबरा गए थे दोबारा से, क्योंकि मेरा जो बस का जो फ्यूल टैंक था वो मतलब कि एम्प्टी हो चुका था। तो मैंने भर लिया था, तो मैंने भर लिया आप लोगों के सामने। एसी जोन एंड मल्टीमीडिया इज आल्सो ऑन। तो अभी मैं पोदरंग पहुंचने वाला हूं, भूटान की आखिरी ट्रिप होगी। मैंने रेड लाइट पे बस को स्टॉप नहीं किया।
तो अपनी लास्ट रोड ट्रिप आने वाले उसके बाद भूटान की ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। यू आर सो एक्साइटेड। तो ये देखिए, ये अपनी लोकेशन आ गई है, जो अपना पोदरंग का जो आखिरी जो बस स्टेशन था वो आ गया। उसके बाद भूटान की ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी यहीं पे। नाउ तो ये देखिए, इसी के साथ में ट्रिप यहीं पे कंप्लीट होती है। मैंने बताया था कि आज के इस ट्रिप को मैं कंप्लीट कर लूँगा। नाउ थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर माय लेटेस्ट वीडियो। आर यू एंजॉय दिस वीडियो? कमेंट इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन राइट अबाउट दिस गेम। ओके, नाउ I want to quit this video. Okay, thanks for watching Gaming and Dos. Take care and Navratri ke is mahine mein, is weekend mein aap sab logon ke ghar mein Mata Rani ka aashirwad bana rahe. Ye bhi meri aap sab logon se, theek hai? Chaliye bhai, goodbye.